आज हम आपको माता के एक चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने के लिए ले चलते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं तीन मुख वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी के मंदिर। माता बगलामुखी का ये मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे है। वैसे तो पूरे देश में बगलामुखी माता के सिर्फ तीन ही मंदिर हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के दतिया में, दूसरा हिमाचल के कांगड़ा में और तीसरा मध्य प्रदेश के ही नलखेड़ा में है, जहाँ के आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। इस मंदिर में माँ बगलामुखी के आसपास माता लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान हैं और मध्य में माँ बगलामुखी है। त्रिशक्ति का मंदिर पूरे भारत में और कहीं नहीं है। ये मंदिर द्वापर युग के दौरान बनाया गया था और इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने की थी। और बड़ी संख्या में यहाँ शिव और शक्ति भक्त पहुँचते हैं और अपने क्षेत्रों में विजय पाने की कामना के साथ माँ की आराधना करते हैं। माँ बगलामुखी का ये मंदिर शमशान के बीच में स्थित है और माँ बगलामुखी को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत देवी की तंत्र आराधना करते हैं। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ होती है और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं और माँ से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस मंदिर के परिसर में माता बगलामुखी के साथ कृष्ण, हनुमान, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और भैरव भी विराजमान हैं। साथ ही मंदिर परिसर में बिल्वपत्र, चंपा, सफेद आकड़ा, आंवला, नीम और पीपल के पेड़ एक साथ स्थित हैं। मंदिर के पास से ही लखुंदर नदी भी बहती है। शमशान में होने से इस मंदिर में आम दिनों में कम भीड़ देखी जाती है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।